वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी इंश्योरेंस जैसे अलग अलग टाइप के आपने इंश्योरेंस सुने होंगे कि व्हीकल इंश्योरेंस व्हीकल के लिए होता है फायर इंश्योरेंस बिल्डिंग को अगर आग लग तो उसके लिए होता है तो अब ऐसा भी एक इंश्योरेंस है जो अपने मनी को सिक्योर कर सकते हैं अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में फिजिकली कैश का भी इम्पोर्टेंट है नो डाउट डिजिटल इंडिया के ज़माने में यूपीआई हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है आर टी जी एस है एन ई एफ टी है सब कुछ है बट स्टिल फिजिकल जो कैश है उसका भी इम्पोर्टेंट आज भी है तो उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं तो उसके लिए हमको मनी इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी से बाई करना रहेगा तो सबसे पहले यह समझ ली कि मनी इंश्योरेंस है क्या उसमें कवरेज क्या होता है तो कि दो टाइप के कवरेज हो जाते हैं एक तो ट्रांजिट कवरेज ट्रांजिट कवरेज मतलब मेरी कहीं पे फैक्ट्री चल रही है मेरे हेड ऑफिस है मेरा कंपनी है मेरा जो मेन जो बिल्डिंग पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं एक जगह है दूसरी कहीं पे ब्रांच है या फिर पैसे मैं किसी को देने जा रहा हूँ ट्रांजिट में अगर रास्ते में कुछ पैसे अगर डैमेज हो जाते हैं या फिर थेफ्ट हो जाते हैं खो जाते है, कुछ भी हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पेमेंट करेगी बट उसमें भी देखने जाए तो दो है दैट मीन्स अ कैरिंग लिमिट मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहा हूँ कि मैं अगर ट्रांसिट में दो लाख इंश्योरेंस दो लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो दो लाख ही कैरिंग लिमिट होगी मेरी तो उसके लिए उस हिसाब से प्रीमियम रहेगा दैट मीन्स मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ दो लाख रुपये साथ में लेके और कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो मेरे पैसे डिस्ट्रॉयड हो रहे हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पेमेंट कर देगी तो यहाँ पे हो गए हो गए कैरिंग लिमिट बट दूसरा अगर कैरिंग लिमिट हमको नहीं चाहिए तो पर्टिकुलर चलो मैंने छः महीने के लिए ये इंश्योरेंस लिया हुआ है एक साल के लिए लिया हुआ है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोल दूंगा कि अगर रास्ते में मैं जा रहा हूँ और दस लाख ये मैंने लिमिट कर दी देखो पूरे एक साल के लिए दस लाख की मैंने लिमिट कर दी फिर मैं एक साथ दस ले दस लाख लेके जाऊँ पार्ट में अगर मैं दो लाख लेके जा रहा हूँ वन लाख लेक लेके जा रहा हूँ जो भी लेके जा रहा हूँ पूरा कवर हो रहा है बट मैक्सिमम अमाउंट अप टू टेन लैक्स वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स हो गया तो कवरेज यहाँ पे दो हो गया पर्टिकुलर कैरिंग लिमिट भी हो सकती है या फिर पूरे साल के लिए भी आप लिमिट फिक्स कर सकते हो बट ये तो हुआ कवरेज जो, जो ट्रांजिट में होगा बट हो सकता है कि इन प्रीमाइसिस भी आप आपके कैश को थेफ्ट होने के चांसेस है स मेरी जो फैक्ट्री है जहाँ पे कैश लॉकर है जहाँ पे प्रॉपर मैं लॉक इन की में रखता हूँ कैश पर फिर भी वहां से चोरी होने का चांस है तो वो इंश्योरेंस अगर मैं कवर करना चाहता हूँ तो वो भी इंश्योरेंस कवर हो जाएगा तो कवरेज में तो दो बात हो गई कि चलो ट्रांसिट का हो गया फिर पर्टिकुलर प्रिमाइसिस में हो गया बट सर एग्जीक्यूशन है एग्जीक्यूशन दैट मीन्स एक्सक्लूडेड कोई पॉइंट है कि इंश्योरेंस कंपनी तब हमको पेमेंट नहीं करेगी यस yes. अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने में ऑमिट कर दिया दैट मीन्स ऑमिशन हो गया फ्रॉड हो गया गलती हो गई मेरे से एरर हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करने वाली दूसरा ये भी ऑप्शन है कि अगर आ, दंगे फसाद हो गए कुछ भी ऐसे सिचुएशन हो रहा है टेररिज्म एक्टिविटी हो गई और टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से अगर पैसे लॉस हो, हो रहे हैं मनी डैमेज हो रही है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी बट इसको अगर मैं कवर करना चाहूँ तो कवर कर सकता हूँ बट ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम मेरे को पेमेंट करना रहेगा और थर्ड अगर मैं किसी अनऑथोराइज पर्सन को पैसे दे रहा हूँ और पैसे कुछ लॉस हो रहे तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी तीन केस में पेमेंट नहीं करने वाली है फर्स्ट अगर मेरी खुद की गलती है एरर हो रहा है ओमिशन मेरे खुद कर रहा हो तो सेकंड अगर मैं अनऑथोराइज पर्सन को दे रहा हूँ पैसे और वो उसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी और थर्ड अगर दंगे फसाद हो रहा है टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है स्ट्राइक हो रही है और उसकी वजह से कुछ डैमेज हो रहा है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं देंगे बट क्या हम इंक्लूजन कर सकते हैं यस जी ये जो दंगे फसाद है स्ट्राइक्स है टेररिज्म डैमेज है अगर मैं उसको इंक्लूड करना चाहूँ तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके मैं अगर उसको इंक्लूड कर सकता हूँ इंश्योरेंस में और सेकंड थिंग मैं ये भी इंश्योरेंस कर सकता हूँ कि चलो अनऑथोराइज पर्सन को दे दिया दुनिया में ऐसे तो है नहीं कि सब जगह आपको लॉयल पर्सन ही मिलेंगे तो अपना जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट ही बेसिकली अगर लॉयल नहीं है तो वो भी हो सकता है कि वो भी पैसे निकाल के वहाँ से निकल जाएगा तो ऐसा भी अगर कोई लॉस हो रहा है बट उसके लिए क्या करना रहेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट करना रहेगा और फोर्थ तो पॉइंट है हमारे पास प्रीमियम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा प्रीमियम सिंपल है आप जितना बड़ा रिस्क कवर करोगे उतनी आपका प्रीमियम की अमाउंट आएगी अगर मैं छोटी अमाउंट पचास हजार तक काीमियम पचास हजार तक का रिस्क कवर कर रहा हूँ तो प्रीमियम की अमाउंट छोटी रहेगी अगर बड़ी अमाउंट कैरी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली प्रीमियम का रेट जो रहेगा अपने लिए ज्यादा ही रहेगा बट पूरे साल मैंने पर्टिकुलर फिक्स किया हुआ है कि बीस लाख पच्चीस लाख तक ठीक है बट अगर ज़रूरत पड़ी कि ज़्यादा कैश भी कैरी कर सकता हूँ मैं तो यहाँ पे मेरे को जब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म हो उससे तीस दिन से पहले पहले मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर लूँ तो ज़्यादा अमाउंट का भी मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ तो इन शॉर्ट चार पॉइंट हो गए फर्स्ट कवरेज है ट्रांजिट हो गया प्रेमाइसिस हो गया एक्सक्लूजनस हो गए जो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी उसमें हमारे पास तीन पॉइंट हो गए ऐसे भी कुछ केसेस है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम और आप उसको इंक्लूड कर सकते हो और एट लास्ट प्रीमियम वाला टॉपिक ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर उसकी पी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस लिंक पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ओके ऑल द बेस्ट